सात का कहां सवाल है? ये बयान, ये भाषण नहीं देना चाहिए था। कोई समर्थन नहीं है तेजस्वी का। लोहिया के वैचारिक धरातल से हट रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी के पॉलिटिकल लाइन से आप हट रहे हैं, जिसका अधिकार आपको नहीं है। तब तो आप पार्टी से हटिए। जब शर्म कहा, मैंने शिखंडी कहा, चार दिन तक वो मौन धारण किए रहे। अब देखिए, बेटा के मामले में अनुशासन भुला गए होंगे, थोड़ा कमजोर पड़ गए होंगे, चौथा दिन उनको याद आया होगा अनुशासन, तो चार दिन के बाद बोले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये कैसी शिक्षा दी, विवाद खड़ा हो गया है। और जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बात पर सहमति भी जता रहे हैं। क्या रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान का समर्थन सच में आरजेडी कर रही है? इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानंद तिवारी जी, जिस तरीके से इस कड़ाके की सर्दी में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, आपके पार्टी के नेता हैं, आप लोग साथ हैं उसके? नहीं, साथ का कहाँ सवाल है। अरे, हमको लगता है कि चंद्रशेखर जी को ये बयान, ये भाषण नहीं देना चाहिए था। और जहाँ तक जगदानंद सिंह का सवाल है, जगदानंद सिंह ने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा है, उन्होंने ये कह दिया है कि पार्टी इनके साथ। और पार्टी का फैसला कैसे कहाँ हो गया भाई? तो पार्टी ने फैसला ऐसा कुछ नहीं लिया क्या? कोई फैसला नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं कि हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम यही पट्टा में बैठे हुए हैं, कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। और जिस तेजस्वी जो है परसों, मैंने जो दिल्ली गए कल, उससे जाने के पहले हमसे बातचीत है, कहीं से इस तरह की कोई बात नहीं थी। मतलब तेजस्वी यादव ने साथ नहीं दिया चंद्रशेखर सिंह के इस मुद्दे पर? मैंने कोई बात कहा ही नहीं है। तो आप लोगों ने प्रेस एयरपोर्ट पर पूछा क्या कहा उन्होंने? कि ठीक कहा है उन्होंने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ, तो बात साफ है कि कोई समर्थन नहीं है तेजस्वी का। तो किस तरह से जगदानंद सिंह मैंने पार्टी के बिहाफ में ये बोल रहे हैं कि साहब मैंने पार्टी का ये फैसला है, पार्टी उनके साथ है। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है सर, जो वो बोलेंगे तो फिर हम वही मानेंगे। नहीं नहीं भाई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अकेले पार्टी के तरफ से कैसे बोल देगा? नीतिगत बात के बारे में जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें तय हो गया था, प्रस्ताव पास हुआ था कि कोई भी संवैधानिक मामला, नीतिगत मामले के बारे में जो फैसला लेना होगा तो लालू यादव फैसला लेंगे या तेजस्वी फैसला लेंगे। ये नीतिगत मामला है, क्योंकि जो वैचारिक धरातल है राष्ट्रीय जनता दल का, वो वैचारिक धरातल जो है गांधी और लोहिया का वैचारिक धरातल है। और गांधी लोहिया दोनों जो है मैंने आराम का गुणगान करने वाले लोग हैं। गांधी ने तो ये कहा है कि हमारी असली परीक्षा तब होगी जब हमारी जान जा रही है, और उस समय राम का मुंह जो नाम हमारे मुंह से निकलता है नहीं। तो आप गांधी और लोहिया के वैचारिक धरातल से हट रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी के पॉलिटिकल लाइन से आप हट रहे हैं, जिसका अधिकार आपको नहीं है। तब तो आप पार्टी से हटिए। अगर इस लाइन का समर्थन आप कर रहे हैं तो पार्टी, इस पार्टी के बच ये में नहीं है, स्थान नहीं है। जगदानंद सिंह भी मेरा सूट नहीं कर रहे हैं, जगदानंद सिंह के बयान भी सूट नहीं कर रहे हैं ना? जगदानंद सिंह का बयान हम कह रहे हैं, इंडिविजुअल का बयान नहीं है वो। जगदानंद सिंह का जो आया है कि पार्टी के ओर से उन्होंने समर्थन किया उनको, जिसका कोई अधिकार उनको नहीं है। नहीं, कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, अब जेडीयू के लोग, आपके गठबंधन के लोग। भाई, मीटिंग होगी तो उसमें ना कार्रवाई होगी। हम कौन होते हैं अकेले कदम? जगदानंद सिंह तो है नहीं कि हम ही अकेले बयान देते कि जगदानंद सिंह का कान पकड़ के बाहर निकाल। उन्होंने अब तक सुधाकर सिंह को लेकर तो कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सुधाकर सिंह ने काफी कुछ कहा नीतीश कुमार को। ना, सुधाकर ने जो कुछ कहा है उसके चार दिन के बाद इनका मुंह खुला। चार दिन के बाद जब शर्म कहा, मैंने शिखंडी कहा, चार दिन तक वो मौन धारण किए रहे, और उसके बाद चार दिन के बाद उनका आया किस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, फलान ठेकान। चार दिन तक क्यों चुप रहे भाई? तो ऐसा अनुशासन के लिए जाने जाते हैं ना जगदानंद सिंह, उनके अनुशासन के लिए जाने जाते हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे ही ऐसा बोलेंगे तो कैसे? अब देखिए, बेटा के मामले में अनुशासन भुला गए होंगे, थोड़ा कमजोर पड़ गए होंगे, चौथा दिन उनको याद आया होगा अनुशासन, तो चार दिन के बाद बोले। लेकिन तेजस्वी यादव से ऐसी कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई है इस तरह की, कोई बात नहीं हुई है। हमसे लगातार तीन दिन चार दिन जो है तेजस्वी यादव से बात हुई है, कई मुद्दों पर बात हुई है, इस तरह की कोई बात जो है मैंने तेजस्वी यादव से हमने नहीं सुना है। अंतिम सवाल, आप साहब तो अनुभवी नेता है, गठबंधन धर्म का क्या ये पालन हो रहा है, आप समझ रहे हैं दोनों नेता जिस तरह से बोल रहे हैं? देखिए, गठबंधन धर्म में दोनों पार्टी अलग अलग रही है लंबे समय तक, ये सब चलता है। असली चीज ये है कि दोनों पार्टियों का कमिटमेंट क्या है। दोनों पार्टियों का ये कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अगले चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें रोकना है, और रोकने के लिए दोनों पार्टी मिलकर के या सातों पार्टी मिलकर के गठबंधन लोगों ने बनाया है। आपके विधायक तो उनको मदद कर रहे हैं, उल्टा बात। कौन? आपके दोनों विधायक तो उनको और मदद कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से बोल के। नहीं, मदद कर रहे हैं तो उस पर
मैंने हम लोग उसका समर्थन नहीं ना कर रहे हैं भाई, इसलिए हो रहा है कि मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो है तय होगा कि क्या करना है इनका। शिवानंद तिवारी हमारे साथ थे, क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।